हेलो स्टूडेंट, आज अपन प्रॉब्लम करते हैं मिशन एक्सरसाइज की। दो क्वेश्चन में कह दिए थे, वन टू, ये थर्ड क्वेश्चन अपन करना है। इसे अपन को पुट करना है एक्स वैल्यू ए बाई टी, एक्स वैल्यू अपन को ए बाई टी पुट करना है। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में रूट के अंदर क्वांटिटी सॉल्व हो जाएगी और इजीली अपना प्रूफ होगा। तो x इक्वल टू ए वाई की अपन को मतलब ए एक्स टू राइट, डी एक्स ए और डी वाई डी टी ऑफ वन अपॉन टी, मतलब टी की पावर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी ए माइनस वन टी की पावर माइनस टू, तो डी एक्स आ गया माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ये अपन ने इसको पुट किया है। ठीक है, अब देखो ये अपन यहाँ पुट कर दे रहा, आगे डी एक्स के स्थान पे माइनस ए बाई टी स्क्वायर रहता, ए बाई टी रूट ए बाई टी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या करना है, ए बाई टी सब्स्टिट्यूट करना है। राइट, ए बाई टी यहाँ ए और यहाँ पर टी माइनस वन कर लो और टी स्क्वायर भी कॉमन निकाल लो। ठीक है, ये तो बाहर निकली है, तो वो फाइनली ए कैंसिल हो जाएगा और टी भी कट गया। ठीक है, ए बचाए, माइनस वन बाई टी की माइनस वन की पावर वन बाई टू प्लस वन, माइनस वन बाई टू प्लस वन। टी माइनस वन और यहाँ पुट कर देना, टी क्या था, ए एक्स है ना, ए एक्स माइनस वन, ये आंसर आएगा प्लस सी। ठीक, इस तरह सॉल्व करना है इसको, इसको नोट कर लो। राइट, यहाँ टी ए बाय एक्स ध्यान रखना, हमने कर दिया है, सुधार दिया। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स फोर प्लस वन थ्री आई फोर है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स की पावर फोर को इससे बाहर निकालेंगे। उसको कैसे निकालते देखो, एक्स स्क्वायर एक्स फोर वन प्लस वन अपान एक्स फोर, यहाँ उतना ही रहेंगे। इस तरह से समझ में अच्छे से आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स फोर की पावर थ्री बाय फोर, ठीक। अब देखो फोर फोर कट गया, ठीक। और इसमें लेट वन प्लस एक्स माइनस फोर, ठीक, ये तो एक्स अपॉन माइनस फाइव डी टी वाई फोर, ये यहाँ पुट कर दो इसमें, ये आएगा माइनस वन बाय फोर
समय को किसी बार होने से माइनस ठीक है तो वन प्लस एक्स पावर माइनस फोर इसको भी नोट कर लो ठीक। ये जो प्रॉब्लम है इसमें दोनों ही एक्स पावर समथिंग एक्स पावर समथिंग की टर्म में है तो इनका अपन टी मानने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं टू और सिक्स का वन अपॉन टू और सिक्स का थ्री का मतलब टू और थ्री का एलसीएम आएगा सिक्स आएगा तो एक्स इक्वल टू टी की पावर सिक्स लिख देंगे ठीक है। एक्स इक्वल टू टी द पावर सिक्स ठीक है टू और थ्री का जो एलसीएम होगा उसको टी की पावर रख करके लोगे तो इजी सॉल्व हो जाता है राइट। तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा सिक्स टी फाइव डी टी यहाँ पर सिक्स टी फाइव रखना और अभी समझ आया क्यों ऐसा लिया है टी की पावर सिक्स वन बाई टू टी की पावर सिक्स वन बाई थ्री मीन्स टू और थ्री दोनों डिवाइड कर देंगे सिक्स को राइट। ऐसा आ गया ठीक। अब टी की पावर टू को बाहर निकाल दो ठीक है। अब इसके बाद में सिक्स माइनस और प्लस वन कर देना तो इसको ब्रेक करोगे तो टी माइनस वन रुको रुको इसको प्लस वन माइनस वन कर दो तो टी प्लस वन ऐसे कर देना ठीक इतना नोट करो पहले। अलग अलग डिवाइड कर देना माइनस वन अपन टी स्क्वायर सिक्स टी क्यू बाय थ्री टी क्या है अपने पास भाई वो फुट कर देना शायद एक्स टू पावर सिक्स एक्स टी टू पावर सिक्स मारा था ना ठीक है इसे भी नोट कर लो।
तो अभी इतनी प्रॉब्लम करते हैं, बाकी प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।